अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंकजेट प्रिंटर्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस, जिसमें फोटोकॉपियर्स और लेज़र प्रिंटर, और आज हम डिस्कस करेंगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर सबसे पहले इसके कंपोनेंट समझते हैं, फिर देखेंगे कि हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे फिर। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, इंक सप्लाई। यहाँ से इंक सप्लाई होती है, और ये हमारे पास है पंप। ये पंप का फंक्शन क्या होता है कि ये इंक सप्लाई से इंक पंप करता है प्रेशर के साथ। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड। नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड और पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी यहाँ पे यूज़ हुए होते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, एक्चुअली यहाँ पे नोज़ल, ये नोज़ल है, और नोज़ल से इसका काम क्या होता है, इंक को डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में इजेक्ट करना। यहाँ पे यहाँ से इंक बहुत ही प्रेशर के साथ इजेक्ट करता है डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में, जैसे कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, सारे लेयर्स के फॉर्म में इंक इजेक्ट करता है। ये हमारे पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि यहाँ से जो इंक गुजरेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चार्ज करना। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या फंक्शन होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का फंक्शन ये होता है कि जहाँ से जो इंक गुजरेगी जो कि चार्ज होगी, अगर हमें रिक्वायर्ड होगी तो ये इनको अलाउ करेगी कि इंक पास हो जाए और यहाँ पे पेपर पे प्रिंट कर ले, और अगर हमें रिक्वायर्ड ना हो तो ये इंक यहाँ पे गिरा देगी साइड पे करके, और इसको क्या कहते हैं, गटर। गटर क्यों कहते हैं, क्योंकि अनयूज्ड इंक यहाँ पे इसमें आ जाती है, इसमें पड़ी होती है। चलिए स्टूडेंट, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंक होती है, इंक सप्लाई की जाती है यहाँ से। ये पंप है, पंप का क्या फंक्शन है, पंप यहाँ से इंक को पंप करता है, सक कर लेता है विद हाई स्पीड। इंक को यहाँ से हाई स्पीड के साथ पंप कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये पुश कर दिया जाता है किसकी तरफ, नोज़ल की तरफ। नोज़ल का यहाँ पे हेड होता है, नोज़ल के इसके हेड से यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स, स्मॉल होल्स होते हैं, इन होल्स से इंक बहुत ही प्रेशर के साथ आगे रिलीज़ कर दी जाती है। इसकी मिसाल आप परफ्यूम स्प्रे की तरह ले सकते हैं, कि परफ्यूम पड़ी होती है, परफ्यूम को जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत पंप करती जाती है ऊपर की तरफ, और नोज़ल से बहुत हाई प्रेशर से स्प्रे निकल आती है। और फिर ये जो हमारे पास इंक के पार्टिकल्स हैं, ये पास होते हैं इलेक्ट्रोड से। अब इस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इलेक्ट्रोड क्या काम करता है, इलेक्ट्रोड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे राइटिंग चाहिए, तो ये इससे जितने पार्टिकल चाहिए गुज़र रहे होंगे, ये उनको चार्ज कर देगा। और इसको ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में है। अब प्रिंटर का हेड इससे पास होगा, प्रिंटर का हेड जब इससे पास होता है तो वो इनको रीड कर लेता है। अगर प्रिंटर के हेड के पास राइटिंग आती है तो ये इलेक्ट्रोड ऑफ रहेगा, और ये इंक विदाउट चार्जिंग डायरेक्ट गुजर जाएगी यहाँ से और पेज पे गिर जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट हेड को यहाँ पे कोई भी राइटिंग नहीं मिली, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, तो यहाँ से
इलेक्ट्रोड इनको चार्ज कर देगा यहाँ पे, किनको, इन पार्टिकल, इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा और ये इन पार्टिकल को चार्ज कर देगा। जब ये पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे, ये पार्टिकल मज़ीद पास होंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट से। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या फंक्शन है, ये जो चार्ज पार्टिकल होंगे ये जब इन डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होंगे तो ये इनके इनका जो रास्ता होगा उनको डिविएट कर देगा और ये गटर में इंक गिर जाएगी। तो इंक डायरेक्ट यहाँ पे गटर में आ जाएगी हमारे पास। और जिस टाइम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइटिंग होती है उस केस में ये इलेक्ट्रोड ऑफ रहते हैं और ये जो इंक पार्टिकल होते हैं वो चार्ज नहीं होते और डायरेक्टली पास हो जाते हैं, यहाँ पे राइटिंग हो जाती है हमारे पास। चलिए एक दफ़ा प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करते हैं। ये देखें हमारे पास इंक सप्लाई है, यहाँ से पंप क्या करता है, सिंपली इस जो यहाँ पे इंक पड़ी थी उसको सक कर लेता है या हाई स्पीड के साथ प्रेशर के साथ पंप अप कर लेता है और नोज़ल हेड में यहाँ पे सेंड कर दी जाती है। नोज़ल हेड का यहाँ पे क्या काम होता है, ये इस इंक को स्मॉल ड्रॉपलेट की शक्ल में बहुत ही हाई स्पीड के साथ यहाँ से रिलीज़ कर लेता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है इलेक्ट्रोड का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट हेड है उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि राइटिंग है, तो ये इलेक्ट्रोड ऑफ रहता है और ये इंक पार्टिकल हैं विदाउट चार्जिंग यहाँ से गुजर जाते हैं और डिफ्लेक्शन प्लेट के पे कुछ असर नहीं होता और ये डायरेक्ट जाके पेपर पे पड़ जाती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो प्रिंट हेड है उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि कोई राइटिंग नहीं है, तो उस केस में डायरेक्टली ये इलेक्ट्रोड जो है ना ऑन हो जाएगा और ये जो इंक पार्टिकल है वो चार्ज हो जाएंगे। वो चार्ज पार्टिकल जब डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरती हैं तो डिफ्लेक्शन प्लेट उनको उनके रास्ते को चेंज कर देते हैं, डिविएट कर देते हैं और वो डायरेक्ट जाके गटर में गिर जाते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल डिस्कवर कंसेप्ट।